दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों गुरुवार के दिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही विशेष होता है। यदि गुरुवार के दिन आप तुलसी की पूजा करते हैं और गौ माता को फल खिलाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी में एक चीज़ बांध देते हैं तो आपके घर में सहस्त्र गुना अधिक वृद्धि होगी। साथ ही गुरुवार को केले के वृक्ष को जल चढ़ाने से मनुष्य को उसके कार्य में सफलता मिलती है। आइए जान लेते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और गुरुवार को कैसे उन्हें मजबूत किया जाता है गुरु ग्रह को। दोस्तों अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं और धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी ज़रूरतमंद को गुड़ का दान करें। आप चाहे तो गुरुवार के दिन किसी लाल गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। शादी में समस्या आने पर अथवा देरी होने पर भी गुरुवार के दिन गाय को आटे में गुड़ और हल्दी रखकर खिला सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों माना जाता है कि गुरुवार को महिलाओं को अपना सिर धोना नहीं चाहिए, इसके साथ ही ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। उनके ऐसा करने से उनके जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होने लगता है, जिसके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आती है। उनके पति व संतान की उन्नति भी रुक जाती है। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलने से वह पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना नहीं चाहिए। इस दिन घर में कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए और पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून भी नहीं काटनी चाहिए और ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो देवगुरु बृहस्पति उन्हें अशुभ फल देते हैं। व्यक्ति की आयु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना शुभ माना गया है। इस दिन कभी भी सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं, क्योंकि ये उग्र ग्रहों के पूजन में काम आता है। गुरुवार के दिन देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध डालती है उसकी दरिद्रता निर्धनता गरीबी का अंत होता है। यानी गुरुवार के दिन आप तुलसी में नहा धोकर गाय के कच्चे दूध का थोड़ा सा कच्चा दूध 2-3 चम्मच जरूर डाल दें, या फिर आप जल के साथ यानी उस जल में डालकर कच्चे दूध को तुलसी में डाल दें। ध्यान रहे दूध गाय का ही होना चाहिए। गाय का कच्चा दूध तुलसी में डालने से तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है और धन संपत्ति रुपया पैसा प्रदान करती हैं। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएँ सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं, लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी के
पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य भी किसी प्रकार के पौधे नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रख कर तुलसी को जल देती हैं, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसी लिए तुलसी के पास यानी कि इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। गुरुवार के दिन तुलसी और केले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीले रंग का धागा बांधकर अपने मन की कोई मनोकामना अवश्य कहें, वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।